हैदराबाद शहर से हांगकांग के लिए एक पैसिफिक विमान शमशाबाद हवाई अड्डे पर लौट आया और रविवार को जल्दी एक आपातकालीन लैंडिंग भी कराई गई। फ्लाइट CH-646 पर सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा कि इंजन में से किसी एक इंजन में तकनीकी खराबी के कारण विमान को लौटाया गया था। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक पक्षी के विमान से टकराने के कारण विमान के इंजन में खराबी आ गई थी, जिसके कारण उसको लौटाना पड़ा। लेकिन कैथ पैसिफिक के अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसी किसी घटना की संभावना नहीं है। एक सूत्र ने यह भी बताया कि 244 यात्रियों के साथ विमान ने रात 2:40 पर उड़ान भरी थी। लगभग 15 मिनट की उड़ान के भरने के बाद विमान हवाई अड्डे पर वापस लौट आया और 2:22 पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को कैथ पैसिफिक विमान के अधिकारियों के द्वारा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था कराई गई। सूत्र ने कहा, जब तक पिछली रिपोर्ट नहीं आई, इंजीनियर इंजन पर काम कर रहे थे। यात्रियों ने एक तत्काल विकल्प की मांग के लिए टर्मिनल पर विरोध किया। 3 यात्रियों ने कहा उन्हें हांगकांग आपातकालीन काम से एयरलाइंस के जाना था, जिसके बाद एयरलाइंस के अधिकारियों ने उन्हें 7:20 की जेट एयरवेज की विमान से उनको भेज दिया।